आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। नानक दरबार डेरा संत बाबा थहरिया सिंह दरबार में, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी का आयोजन आज किया गया। हमारे साथ हैं भाई साहब जसकीरत सिंह जी और भाई साहब त्रिलोचन सिंह जी, जिन्होंने ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। आज हमारे बीच में बॉलीवुड के बहुत बड़े फनकार सुखविंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध सॉन्ग्स गाए हैं, भजन गाए हैं, वाहेगुरु की महिमा का भी बखान किया है। इस अवसर पर क्या बोलना चाहेंगे? पहली बार आप हमारे शहर उल्लासनगर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सुबह 4 बजे की करीब प्रभात फेरी के लिए सब तैयारियां की गई और प्रभात फेरी का समापन जो है 9:30 के करीब हुआ। इज द लॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल जर्नी और ये अपने आप में बहुत मॉरल करने वाली बात है और सिखिज्म का ये एक प्रतीक है। और उल्लासनगर के तमाम जो रहने वाले हैं, हर वर्ग के लोगों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उनका सहयोग और उनका जो प्यार है वो बहुत उल्लेखनीय है। सुखविंदर जी, ये जो दरबार है उस पर अधी अमा और इनके पिता साहब भाई साहब भाई मेहरवान सिंह जी का बहुत बड़ी कृपा है, जो खुद को हमेशा दास कहलाते थे और संगत की सेवा करते थे। आपकी भी जो आवाज़ में मिठास है वो वाहेगुरु जी की कृपा है। आपने बॉलीवुड के बहुत 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 सारे सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन जब आपने गुरुवाणी गाई है तू प्रभु दाता, तब कैसा आपको आनंद आया? वो मेरे लिए एक, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी, इसे किस्मत भी कह सकते हैं, किस्मत ही कहते हैं। कि मैं उस पूरी फिल्म का म्यूज़िक कर रहा था, आई एम अ म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म हल्ला बोल, डायरेक्टेड बाय राजपाल संतोषी। एंड जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली गुरबानी गाने की, तो मेरे लिए ये उस फिल्म की प्राइज थी। तो हुआ भी वैसे ही, ये गुरबानी जब मैंने गाई तू प्रभु दाता, उसके बाद उस पूरी फिल्म का मैंने एक पैसा भी नहीं लिया, क्योंकि मेरे अंतरात्मा को इतनी खुशी हुई। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। और अगर ये बात आप राजकुमार संतोषी जी से भी पूछें तो मैंने, मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा ये सौगात मेरे लिए बहुत बड़ी है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।